जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ठीक ठाक है, लेकिन वो कुछ काम ऐसा होता है जिसके बारे में आप नहीं सोचते, लेकिन फिर वो भी काम होने लग जाता है। दोस्तों जब मैंने 8 से 10 साल पहले लगभग जब मैंने दुकान खोला था कुमार टाइल्स के नाम से, तो हमें ये नहीं था कि हमने दुकान के साथ एक और दुकान खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस एक साल के दौरान जो शुरुआत से लेकर जब मैंने हार्डवेयर की दुकान खोला उसके एक साल तक, जो एक साल के दौरान जो हमारे पास जो लिस्ट आता था प्लम्बर का, तो उसमें मैक्सिमम घर में टूटी लगता था प्लास्टिक का, तो उसमें एक चीज़ ऊपर में लिखा होता था पर्ल का सामान लाना है। तो हमें पता नहीं था कि पर्ल का सामान क्या होता है, पर्ल का सामान कैसा होता, चूँकि हमने देखे नहीं थे। तो दोस्तों जब इतना डिमांड आने के बाद फिर हमने इसका इंक्वायरी किया कि इसका सामान कैसा होता है, देखा जाए चला, तो पर्ल का सामान हमने रखना स्टार्ट किया। जब रखना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता गया, बाकी और भी कंपनी का था लेकिन पर्ल का ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया। और धीरे 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 इतना ज़्यादा पर्ल का मिलना हो गया कि जब पर्ल का सामान हमने रखा उसके एक साल के बाद हम इतनी कॉन्फिडेंट अंदर से हो गए थे कि हम जो ग्राहक था उनको पर्ल का सामान लेने के लिए रिकमेंड करते थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों उससे हमारी दुकान का तो सेल तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में एक विश्वास बढ़ा, और ये विश्वास ग्राहक से आया। वो ग्राहक जो ले जाता था सामान उसके बाद जो ढूंढने के लिए आता था, मुझे वैसा सामान और दे दीजिए, बहुत अच्छा निकला वो सामान, चल रहा है, मुझे और जगह काम करना, मुझे वही सामान चाहिए। तो उस वजह से हमारा जो है ना काफ़ी मार्केटिंग एक आगे बढ़ा, और जो फेस वैल्यू तो जो था उसके हिसाब से जो ग्राहक आते थे उसको बोल देते थे हाँ ठीक है ये सामान लेना, वो तो ले ही थे, लेकिन जो ग्राहक बोलते थे नहीं यार एक पता नहीं कैसा सामान होगा नहीं होगा, तो उसको हम कॉन्फिडेंटली रिकमेंड करते थे कि नहीं सर आप ये सामान लीजिए, ये काफ़ी अच्छा है पर्ल का। दोस्तों ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में इसके पीछे का कुछ छोटा सा बैकग्राउंड देना था, समझाना था। अब मैं चलता हूँ मेन मुद्दा पे। तो दोस्तों तो इस तरह की चीज़ तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा कि हमने नहीं चाहते वो सामान को हमने रखना स्टार्ट किया। चला 2 महीने पहले ना वहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह सब होने वाला, तो सारे डीलर को उन्होंने बुलाए, फ़ोन किए, इन्वाइट किए, तो उसमें मैं भी गया था। तो दोस्तों देखा कि वहाँ की कि क्या ज़बरदस्त चीज़ होता है इसका, तो कॉन्फिडेंस और दोगुना हो गया। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि हाँ इस कंपनी, इतने बड़े कंपनी का माल वहाँ पे बनते देखा मैंने, क्योंकि सामने वाले कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं होता है। कुछ सामान मैं पर्ल का दिखाता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ, और इतनी ऑन रिकॉर्ड मैं गारंटी लेता हूँ चीज़ का कि आप लगाते हैं पर्ल का चीज़ तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ मिसगाइड हुआ हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इतनी कॉन्फिडेंस से मैं आपको इस चीज़ का ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ठीक है। फेमस हो गया, मैं अपनी होम टाउन की बात कर रहा हूँ कि मेरा सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन है, वहाँ पे मैंने जब 2 साल 3 साल पहले जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मैं स्टेशन पे देखा था लगा हुआ कि वहाँ पे पुश कॉक जो है ना वो पर्ल का लगा हुआ था। तो मुझे एकाएक याद आया था, मुझे पर्ल का जो प्लम्बर लिख के देता था कि पर्ल का सामान लाना, और वहाँ पे प्लम्बिंग फिटिंग का जो भी सामान होता पर्ल सारी चीज़ बनाती है, वो आपको सब चीज़ अवेलेबल करा देगी, और इंडिया के हर जगह पे माल मिलता है इसका। दोस्तों इतना बड़े स्केल पे यूट्यूब पे आकर के इस चीज़ को बताना, मुझे महसूस हुआ कि मुझे बताना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप कहीं से भी अगर आप ख़रीदेंगे तो बहुत बेस्ट क्वालिटी है, बहुत बेहतर चीज़ है। तो आइए मैं देखता हूँ, कुछ प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ आपको पर्ल का। तो देखिए ये बिग कॉक है, काफ़ी हैवी है, ब्लू और वाइट की कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और काफ़ी इसका जो पानी निकलता है बहुत ईजिली निकलता है और छींटे नहीं लगते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, मैं दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, रैक तो भरा पड़ा है नीचे, लेकिन जो डिस्प्ले में एक दो वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सिस्टम देखिए, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो इस तरह से दोस्तों अपने आप में हिंदुस्तान में ये ब्रांड बन चुका है पर्ल, और प्लास्टिक की टूटी की जैसा डिमांड है उस हिसाब से इसने प्रोडक्ट को विश्वास के साथ उतारा है, और पब्लिक में काफ़ी इसका मतलब ट्रस्ट बढ़ चुका है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये सर्टिफिकेट हमें दिया था ये, और कुछ गिफ्ट का फोटोग्राफ से जो इस पर लगा हुआ है हमारे इंटरप्राइज। मैंने आपको अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में अभी आपको जानकारी दिया, तो मैं उस प्रोडक्ट के जो हमारे मार्केटिंग का जो सेल्स मैनेजर है वो आज हमारे पास आए हैं कुछ स्पेशल गिफ्ट्स लेके। बाकी मैं एक बार बुलाता हूँ सेल्स मैनेजर को, तो आइए देखिए। हेलो, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया सर। कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और अपनी कंपनी के बारे में, कितना बढ़िया प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो कैसा है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और मैं पर्ल प्रिसिशन प्रोडक्ट से हूँ। हमारे डीलर हैं सर, कुमार इंटरप्राइजेज के नाम से सर का फर्म है,
जो हमारे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मिलता है हमारा। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है कि हमने पिछला 4 या 5 साल से लगभग बेच रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर का फीडबैक जो आता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई प्रोडक्ट बनाता है कंपनी और आगे जो बढ़ता है इसके पीछे कस्टमर होता है आगे बढ़ाने में, और वो कस्टमर ही अपना फीडबैक के हिसाब से चीज़ को आगे बढ़ाता है और वो चीज़ बार बार लेने के लिए आता है। तो दोस्तों, तो ये पर्ल था। अब बात करते हैं हम YouTube के बारे में। YouTube में हमने थंबनेल लगाया था जिसमें YouTube को थैंक यू बोला था। उसके पीछे रीज़न था दोस्तों कि हमने 3 वीडियो अभी तक YouTube पर डाला था। आपको YouTube स्टूडियो ले चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये 3 वीडियो हैं जिसमें से पहला वीडियो का उन्होंने इंप्रेशन जो भेजा था। मोर व्यू में चलते हैं और देखते हैं इसका रीच कितना गया है। ये अप्रोक्स रीच इसका गया है 366। लेकिन सेकेंड वीडियो का देखिए दोस्त, जो कॉम्बिनेशन का बोलेगा था कलर कॉम्बिनेशन का, इसका आपको रीच दिखाता हूँ। इसका रीच देखिए इंप्रेशन कितना ज़बरदस्त भेजा है YouTube ने, 3.9K, मतलब अप्रोक्स 4000 आदमी तक भेजा था। और इसका जो एक थर्ड वीडियो था इसका देखिए इंप्रेशन कितना भेजा है YouTube ने, इसमें मात्र 316। इसीलिए थैंक यू लगाया था क्योंकि सेकेंड वीडियो को ज़बरदस्त इसने प्रमोट दिया, इसीलिए लगाया था दोस्तों।